देखिए पिछले पार्ट में हमने देखा मल्टीप्लाई भी करना है और फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। यहाँ एक्सरसाइज 4.2 में आप देखिए फाइंड द फॉलोइंग डबल इज फोर डबल ऑफ फोर एज। अब करना क्या है हमें, डबल ऑफ फोर एज का मतलब क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है उस चीज को उतनी बार एड करना, जैसे टू टू इंटू टू या टू प्लस टू दोनों का फोर आता है, इसी प्रकार डबल ऑफ फोर इसमें आ गया। ए वाला मैं आपको लिख कर रहा हूं यहां पर, डबल ऑफ फोर इस क्या लिखा है आपको बराबर में, यदि यहां प्लस का साइन है तो हमें लिखना है फोर प्लस फोर और ये इक्वल टू में आ जाएगा यहां पर एट, और यदि मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें टू लिखना है, फोर इंटू टू एट, इट मीन ये और ये हमारा सेम होना चाहिए। इसके में यहां लिखोगे आप फोर प्लस फोर इजिकल टू एट, फोर इंटू टू इजिकल टू एट, इसी प्रकार ये 40 है यहां पर, तो यहां आप 40 लिखेंगे, 40 का डबल क्या होगा, ये 40 प्लस 40 यहां 40 लिखेंगे यहां 40 लिखेंगे इजिकल टू 80, और इसके डबल जब हम मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहां लिखेंगे 40 और इस प्लस की जगह साइन तो यहां पर ऑलरेडी इंटू का है, यहां लिखेंगे हम 2 और ये होगा हमारा 80। इसी प्रकार डबल ऑफ 400 प्लस 400 इज इक्वल टू सॉरी 800 और 400 से डबल ये इंटू करेंगे 400 ये इंटू हो जाएगा यहां जाएगा 2 और ये हो जाएगा 800। तो इस प्रकार ये डबल में हो जाएगा कौन, यहाँ बी वाला आप भी करेंगे, और मैंने जैसा आपको पहले इसमें बताया था कि ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये पेज नंबर 55 पर यहाँ से 11 से लेकर 20 तक की टेबल्स दी हैं, और वो इसीलिए दी हैं कि इनकी बहुत हमें आवश्यकता पड़ना है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैव लर्न दिस टेबल फ्रॉम 11 to 20। इट विल बी योर होमवर्क फॉर टुमारो, प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड ऑलरेडी, नाउ इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू यू हैव टू लर्न टेबल्स ऑफ 11 to 20। और नेक्स्ट में जब हम चलेंगे यहाँ पर तो क्विकली यहाँ टेबल जब आपको लर्न हो जाएगी तो फटाफट आप कर लोगे, 999 कितना होता है, 87 कितना होगा, 55 कितना होगा, 13 12 8 14 6। लेकिन ये मैजिक कब होगा, ये मैजिक तब होगा जब आप टेबल को लर्न करोगे। तो इतना आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।